मैं तुम्हें बिलीव के साथ कह सकता हूं, तुम जो भी चाहते हो ना, जिससे भी पाना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस मेरी बात पहले सुनो, आपको बार बार इसके बारे में सर्च नहीं करना पड़ेगा। हम अपनी तरफ किसी को आकर्षित कैसे करें, कोई बात आपके काम नहीं आएगी। मैं जो बताता हूं ना, पहले आप उस पर यकीन करो, उसके बाद मुझे बताना। आप सेलिब्रेसी एक ऐसा बून है ना, अगर आप इसे स्टार्ट करते हैं या ऑलरेडी आप ब्रह्मचर्य पर है, तो भाई आपके साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। ये कहने वाली बात नहीं है, लाखों लोग एग्जाम्पल पढ़े जो अभी ब्रह्मचर्य स्टार्ट कर रहे हैं ना, पहले उनकी लाइफ कैसी थी, डिप्रेशन से भरे थे, और जब उनको इनके बारे में पता चला कि ब्रह्मचर्य है क्या, इसे कैसे करते, उनकी लाइफ में मिरेकल होना शुरू हो गया। मैं बता देता हूं जिनको इसके बारे में पता नहीं है ना, ये रॉन्ग हैबिट अगर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आप अश्लील वीडियो देखते हैं, ये अश्लील काम ज्यादा करते हैं, तो भाई बहुत बहुत बुरा काम कर रहे हो आप, पछताओ के एक दिन बहुत ज्यादा। कोई लोग आपसे बात क्यों नहीं करते, इग्नोर क्यों करते, आपसे कोई काम अच्छे से क्यों नहीं हो पाता है। लोग कहते हैं हमारी फूटी किस्मत है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुमने खुद अपने आप को ऐसा बना के रखा है। किसकी वजह से, ये गलत काम करने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हो तुम। क्या आपको अभी समझ नहीं आया कि यार ये बात किसकी कर रहा है? भाई तुम्हें खुद बताए कि क्या है वो गलत काम जो तुम बार बार करते हो। जब आपकी बॉडी में एनर्जी होगी ना, ये तुम्हें खुद फील होगा अगर ये गलत काम तुम स्टॉप करते, स्टॉप कर देना यार। हमने इसके बारे में चैलेंज भी लिया है पूरे साल 2022 में, नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाना उस चैनल पर। मैं बताता हूं तुम्हें यहां से बाहर कैसे निकला जाता है। बार बार किसी की बातें सुनकर ना, अपने दिमाग में कचरा भरने की कोई जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि इसका जवाब तुम्हारे पास है कि हम जो भी करें ना, जो भी तुम्हारी सोच है, कोई प्राइवेट बात है, मैं नहीं बताऊंगा क्या है भाई, कि ये हमारे साथ हो सब कुछ होगा। बस इसके लिए सबसे पहले आपकी बॉडी में, आपके माइंड में वो जुनून होना चाहिए, वो एक अलग सी फीलिंग। आप खुशी नहीं देखते हो जो रियल में है, जब आप गलत काम स्टॉप करते हो ना, हर एक दिन में खुशी डबल होती जाती है। मैं सच कहूं ना, ये वरदान से कम नहीं है। तुम किसी को पाना चाहते हो, वरदान मिल जाएगा तुम्हें। अभी एक बात मैं कहता हूं, जो लोग अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा दुखी है ना, परेशान है, वो जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं उसके लिए बहुत डिले हो रहा है, वो मिल ही नहीं पा रहा है, लोग या इंसल्ट करते हैं, मैं कहता हूं पहले तुम इस गलत काम को स्टॉप कर दो, उसके बाद देखना आपके साथ होता क्या है। जो आपके साथ हो रहा है ना, उसके अपोजिट होना शुरू हो जाएगा। ये रियल बात है यार, ये कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल मैंने भी ये फील किया है, और लाखों लोग यही कहते हैं जो ब्रह्मचर्य स्टार्ट करते हैं। अब आप डिसाइड करो आपको करना क्या है।